السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نحاول اليوم بإذن الله عز وجل أن ننتهي من هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على معاني كثيرة من المعاني العظيمة في الدين. كنا قرأنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وسنأخذ الإسناد اليوم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة. سعيد ابن أبي عروبة قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ساره بصري راوي. इस सनद की लिकायत में एक चीज ये भी है कि सारे रवात बसरी हैं और हदीस मुत्तफ़क अलैह है, लिहाजा किसी जो है कलाम की गुंजाइश नहीं है। और आपको बताया गया कि इस हदीस में तअद्दुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर उम्मत के अलावा, उम्मत को छोड़ करके उम्मत को चार की रियायत है, जैसा कि दूसरी रिवायात में है। अलग बात है कि इस रिवायत में चीज़ मजकूर नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीवियों की एक तादाद थी, इंतकाल के वक्त उनकी तादाद 9 थी, और कितनी तादाद थी मजमूई वो भी आपको इससे पहले बताया जा चुका है, जो चीज़ें वारिद हैं सीरत और हदीसों के अंदर, और उनके अंदर पूरी तहकीक करके उसको असली शक्ल में लाया जा सकता है। तअद्दुद से मुतालिक कुछ गुफ्तगू शायद की गई थी, और मुख्तसर तौर पर यह कि तअद्दुद ना सिर्फ पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया की ज़रूरत है इस वक्त, जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर बच्चियों और बच्चों की तादाद इस बात को फ़र्ज और वाजिब कर रही है किसी भी दीन को ना देखे बगैर। और आप हदीस जो है सुना होगा, इसके अंदर वाज़े तौर से बात आई है कि क़यामत के क़ुर्ब में एक मर्द 50 औरतों का जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार का मकसद ये नहीं कि इसको शादी की इजाज़त होगी, लेकिन इस कदर जो है अनुसा का मसला फैल जाएगा और शादियां बहुत कम होंगी। और इस वक्त जो हालात आपको दिख रहे हैं, शादियों में तखीर और ज़ौजैन का एक दूसरे से क्या मुतमिन ना हो पाना, शादियों के लेट के नाते और जो इन्फिताह खुलापन है उसके नाते, उसके बाद तादाद लड़कियों की ज़्यादा है, नतीजतन जो है अगर इस वक्त लगभग अल्लाह आलम अक्सर मुल्कों के अंदर की शरह यानी अमूमी दुनिया की अगर शरह देख ली जाए तो तकरीबन इस वक्त, बाद में 50 वाली बात आएगी आखिर के ज़माने में, लेकिन अभी दुनिया के सर्वे के हिसाब से तकरीबन अक्सर दुनिया के ममालिक में लड़कियों की तादाद देखी जाए तो सबकी शादी मुमकिन ही नहीं है मर्दों की तादाद से, यानी सब एक एक शादी करके अमानतदारी से अपनी ज़िंदगी भरा जाए तो बहुत लंबी तादाद में लड़कियाँ बगैर शादी शुदा रह जाएंगी। तो ये चीज़ अमरे दुनिया का वाक़ जो कभी इस औरत की आज़ादी की बात करते हैं, अगर हकीकत में औरत की तरक्की और उसके फ़ायदे की इसी तरह से उसकी कामयाबी, उसके मुस्तकबल और उसके हालात की जिम्मेदारी और इंतज़ाम इस मामले में अगर सोचते तो यकीनी तौर पर इकदाम करते, लेकिन वो खबीस क्योंकि चाहते हैं कि एक औरत को वो घर में मजलूम बनाकर रखें, उसके हकूक को हत्ता कि जिस्मी और दूसरे हकूक तो छोड़ें, जिस्मी हकूक तक को ना निभा सकें, और दूसरी औरतों
को अपनी हवस का जरिया बनाए, और औरतें जो कि किसी भी सोसाइटी की कामयाबी और फलाह बहबूद का की जमानत का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर उनको बेरारवी का शिकार कर दिया जाए तो पूरा मुआशरा तबाह होकर के रह जाएगा। ये यहूद खबीस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस्लाम दुश्मन, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। तो तअद्दुद दुनिया की जरूरत है, दुनिया की बिला तफरीक अध्ययन सारी औरतों की जरूरत है, इसी तरह से तअद्दुद मर्द की जरूरत है, उसकी जिस्मी ख्वाहिशात की तकमील के लिए तअद्दुद एक जरूरत है, औरत की घर औरत के लिए उसके शौहर उसके बच्चों के हुकूक, और उसके घर के लिए उसके घर के कामों के लिए। हकीकत यह है जिसको आप कभी ना कभी यकीनी तौर से जान पाएंगे और अपने घरों में अगर आपने बारीकी से देखा हो तो महसूस करेंगे कि तअद्दुद ना सिर्फ उस मर्द की जरूरत है अपनी जिस्मानी जरूरियात के लिए, अपनी घरेलू जरूरियात के लिए, अपने बच्चों के लिए, हत्ता कि अपनी उस बीवी के लिए भी जिसके लिए वो बतौर सौकन तअद्दुद की सूरत में सौकन लेकर आएगा, उस औरत की जरूरत है, उसकी नाते से मर्द की जरूरत है। बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, अमूमी हालात में जो शख्स एक औरत रखता है उसकी नहीं, उससे कम दर्जे में शायद नहीं बल्कि बहुत बहुत से इस बात को महसूस किया जा सकता है कि उस औरत की भी जरूरत है कि उसके लिए कोई सौकन लाया जाए, या जैसे लड़कों में उसका शौहर एक से ज्यादा शादीशुदा हो। इसको अमली जिंदगी के अंदर मैंने कुछ मिसालें दी थी, उन पर मजीद कुछ और नहीं, जो भी आप उसको समझना है समझिए और कीजिए। मेरा ख्याल है कि इसमें अख्ज और रद्द की कोई बात ऐसी नहीं है। औरत खुद अपने घर के कामों में इस वक्त जो है माहौल है बिलखसूस शहरों के अंदर, और जो असल इस्लामी निज़ाम है या मुआशरती सही निज़ाम है कि जो है शादी के बाद बहनें अपने घर हैं, भाई शादी के बाद अलग घर में रह रहे हैं, यही इस्लाम के करीब तरीका है और यही सोसाइटी के अंदर बहुत सारी भलाइयां लाने का भी तरीका है कि हर शख्स अपनी फैमिली के साथ अलग रहे। और दीन भी बहुत सारी चीज़ों में इसी पर एतबार करता है, जैसे मसलन मिसाल के तौर पर आपको कुर्बानी करना है तो आप उस वक्त तक अपने माँ बाप के बच्चे हैं जब तक आपके पास अपनी फैमिली नहीं है, अपनी बीवी बच्चे नहीं है, लेकिन जैसे आपके अपने बीवी बच्चे भी है वो आप अपनी फैमिली हो गए, और अब आपकी अपनी फैमिली के लिए आपका अपना कुर्बानी करना एक शरई मसला बन जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी जगह, तो मकसद ये है कि उस औरत की जो आपके पास है उसकी खुद जरूरत है कि आपके पास एक दूसरी औरत हो जो उसके अपने मसाइल में उसकी मदद करे, उसके बच्चों के मसाइल में मदद करे। जाहिर सी बात है कि अमूमी हालात में एक घर में अमूमी हालात की बात करें, इस तरह से आम तस्वूर नहीं है कि एक बीमार हो तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किसी खास बीमारी किसी खास हालत के अलावा बीमार हो जाए। तो मसलन जो है आपके यहाँ एक औरत है उसके यहाँ ऑपरेशन है, कोई बीमारी है परेशानी है, उसके बच्चे हैं, तो उन बच्चों के मसाइल को देखने के लिए आपके पास सिर्फ एक जरिया बचता है, वो ये कि आपके पास एक दूसरी औरत हो जो क्या ना अपने बच्चों को भी और दूसरी औरत के बच्चों को देखे, जरूरत पड़ने पर दूसरी औरत पहली जो दूसरी औरत है उसके जो है बच्चों और उसके मामला को देखे, उसकी तबीयत की खराबी पर उसका ध्यान रखे। जाहिर बात है आप मान लीजिए शौहर है, आप नौकरी में हैं, आप किसी काम में आप नहीं रुक सकते, एक दिन रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई परेशानी आने पर जिसमें बार बार ये परेशानी होती हो, या एक साथ लगातार ज्यादा दिन की तबीयत खराब हो गई, तो ऐसी सूरतों में आपके बच्चों के लिए जो है देखभाल, और इसी तरह से अगर वो अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में एडमिट होना और दूसरी चीजें, ऐसी सूरतों में हकीकत में तअद्दुद दो से तीन इन तमाम चीज़ों का तकाजा करता है। जाहिर सी बात है आपके पास बहनें हैं, हो सकता है बाद में चलकर की बेटियां हों, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सकती क्योंकि उनका भी अपना घर है, उनके भी अपनी जरूरियात हैं, उनकी भी अपनी मसाइल है, उनका भी शौहर है, उनके अपने बीवी बच्चे हैं, उनके अपने जो है बच्चे हैं।
तो ये चीज हकीकत में, हकीकत अंदाज में अगर देखा जाए इंसाफ के साथ, तो ये चीज सिर्फ मर्द की नहीं बल्कि उस मर्द से शायद ज्यादा उस औरत की जरूरत है। और इसी चीज में नहीं, एक बात और बताता हूँ, और इसी पर अपना जो है इस नुक्ते को खत्म ही करूंगा कि इस पर तो गुफ्तगु हो चुकी है कि तअज्जुद को बुरा बनाने वाले सिर्फ औरत से और उसकी इज्जत से, उसकी करामत से खिलवाड़ की आजादी चाहते हैं, हकीकत में औरत की आजादी नहीं। लेकिन जो आजादी चाहता है वो दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे औरतों के मसाइल हैं, तअज्जुद को हम छोड़ देते हैं, उन औरतों को जो भी औरतें दुनिया के अंदर हैं, क्या उनका हक नहीं कि वो शादी करें? लेकिन इस हक को दस जो है गोदों में और दस बाहों में जाने की इजाजत तो देता है, लेकिन सही रास्तों पर जाने की इजाजत नहीं देता। तो ये चीज इससे जो है बीच में सवाल मत भेजा कीजिए, इसलिए कि मैं इसको पढ़ नहीं पाता हूँ, बिना वजह से डिस्टर्ब होता है। सवाल जो भी है अखीर में कर सकते हैं, सवाल हो या जो मतलब जो भी आपको खाली या कोई एक बात, कोई इजाफा, चूंकि इसको पढ़ नहीं पाऊंगा बीच में बोलते हुए और वो इतना देर स्क्रीन पर रुकता नहीं है, तो मैं सिर्फ आखिरी नुकता ये कहना चाहता हूँ कि उस औरत की सेहत, उस औरत की घरेलू कामकाज हकीकत, उसके शौहर के अपने हकूक की अदायगी, कपड़ा खाना और दूसरी जरूरियात, ये तमाम तो है ही, इसके साथ साथ एक बात में और बहुत शदीद जरूरत है जिसे आप और कीजिए, महसूस कीजिए, वो ये कि जब किसी बात पर जाहिर बात है ज़ौजैन के अंदर जो है मुख्तलिफ परेशानियां आती रहती हैं और शैतान भी इस बात पर बहुत ज़्यादा हरीस है, आपको वो हदीस सामने होगी जिसमें शैतान ने अपने चेलों को जब लोगों को बहकाने और फुसलाने के लिए भेजा, तो उसमें जो है पहला प्राइज उसने उस शख्स को दिया था जिसने शौहर बीवी के साथ लगा रहा, यहाँ तक उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए, और उसके नुकसान को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में नुकसान में मामला कभी तलाक तक पहुँच सकता है, कभी मारपीट तक पहुँच सकता है, दोनों खानदानों की परेशानी तक पहुँच सकता है, बच्चों की जिंदगी पर उसका बहुत भयानक और बहुत गलत असर पड़ता है, ये तमाम चीजें तो है ही। इसके साथ साथ हो सकता है जो है कत्ल वगैरह तक मामला पहुंच जाए, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक मामला पहुंच जाए, दो खानदानों के दरमियान लड़ाई और दुश्मनी हमेशा तक के लिए नौबत पहुंच जाए। इसके अलावा जो है इख्तलाफात की वजह से दीनी नुकसान जो होता है, गुस्से में आदमी ऐसा भी हो सकता है शैतान लगाए मान लीजिए सलाद कटाया जाएगा, सलाद में दिमाग खराब हो जाता, हाँ गुस्से में आकर के नशे नशा की तरफ भागे, गलत सोहबत की तरफ भागे, हाँ छोटे छोटे नशे की चीज़ों से पान गुटखा सिगरेट वगैरह से होता हुआ बड़ी चीज़ों की तरफ चला जाए, और अपने शौहर से गलत फहमी का शिकार होकर के दूसरे रास्तों पर चल पड़े, और जो है दिल में कदूरत और नफरत पैदा हो जाने के नाते से उसका दिल किसी और तरफ मायल होने लगे, खासतौर से उस वक्त उसके पास साबित में कोई इस तरह की चीज़ रही हो या वो मुफ्ते घराने की हो, खुले घराने की हो, उसमें इस तरह की गुंजाइशें मौजूद ही हो, ये तमाम के तमाम तो है ही नुकसान। एक और भी बहुत बड़ा नुकसान है वो ये कि आपके अपने और से कोई जो आमतौर से जो मसाइल होते हैं इंसानी जो है माहौल में या दूसरे माहौल में थोड़ी छोटी मोटी चीजें हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, चलिए थोड़ी देर के लिए शौहर ने बीवी को मार दिया गुस्से में आकर के, ये अलग बात है दो मिनट बाद दस मिनट बाद अफसोस करे कि घर से वो समझे कि मैं गलती पर नहीं हूँ, यही महसूस करे, हम जैसे आप जैसे लोग मसलन जो दीन शरीयत को जानते हैं और जो जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर औरत से खैर खाही, औरत के साथ हुस्न सुलूक का मामला का जो करने का हुक्म दिया, वसीयत की इस तौर से खैरली और तमाम दूसरी अहादीस की रोशनी, तो ऐसा शख्स घर से महसूस करे कि जो है इसी तरह से जो है इन निसा खुलिकना मिन ज़िलअ व इन अअज शय फी ज़िलअ आया व इन ज़हबत तक़ीमुहु कसरतहु او كسرتها وان جو ہے ان ذات تقيمها تقيمه كسرته او تقيمها كسرتها وان تركتها لم تزل عوج او كما قال صلى الله عليه وسلم یہ حدیث ہم کو معلوم ہے کہ روشنی اگر کوئی شوہر فرض کر لیجئے کہ عورت کی بدتمیزی یا نشوز یا بدزبانی کی وجہ سے کہیں جو ہے معاملات بھڑک گئے اٹھے اور وہ معاملہ جو ہے مار تک پہنچ گیا مار دیا پیٹ دیا
और औरत भी इंतहाई ज्यादा गलत फहमी का शिकार, क्योंकि गलत फहमी ही होती है और शैतान इसी रास्ते से दाखिल होता है। माफ कीजिए, गलत फहमी ही है जिसके रास्ते शैतान दाखिल होता है। ऐसी सूरत में मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ और क्या नाम है शोहर घर से निकल गया, या जो है बेगम घर से निकल गई निकाह वगैरह पहन के अपने आप को टेंशन में, दो चार दस मिनट बाद आधे घंटे बाद फोन घंटे बाद इधर उधर से कहीं से कार्ड खोल के आएगी वो अपने आप को हल्का करके, और तो औरत नहीं जा सकती है अपने शोहर के पास। हैं ऐसे हालात कि वो किसी होटल में जाकर के रह लें, किसी साथी के यहाँ रह लें, इससे कोई चीज, या दो चार घंटे के लिए निकल जाए इधर उधर पार्कों में और कहीं लेफ्ट राइट वगैरह करते हुए जो है टेंशन में परेशानी में घर आए, घर आते फिर वही कह रहा है और बात फिर से भड़कती है। बात ना भड़के तो भी उस घर में आने के बावजूद भी करीब नहीं हो पाते, क्योंकि फिर से वही एक दूसरे की बातें याद करके फिर से टेंशन की चीजें होने लगती है और शैतान बिलखसूस इस पर जो है तेल जो है डालने का काम करता है। लेकिन अल्लाह की कसम है इंशाअल्लाह बहुत सारे केसेस में अगर इस तरह के केसेस में एक दूसरी बीवी होती और आज शाम लौटने के बाद उसकी बारी बदल के किसी और के पास चली जाती और वो अपनी उस बेगम के पास जाता जिसका वो इस्तेमाल करती अपने घर में या अपने रूम में अच्छे से प्यार से पेश आती, तो ना सिर्फ ये कि उस औरत के साथ खुशी से रहता बल्कि अपनी पहली औरत के साथ हुआ मामला भी जो है उसके ध्यान से निकल जाता, हल्का हो जाता और शायद अगले दिन वो अपनी बेगम के पास एक दो दिन की बारी तीन दिन की बारी जो भी वो लगाता हो उसमें जब पहुंचे दोनों के ध्यान से वो सारी चीजें निकल चुकी हैं। लेकिन जब एक ही औरत घर में है और जहां भी जाए घर में काम करती हुई ये करती हुई वो करती हुई कुछ ना कुछ करती है उसके सामने आ जाती है, तो अगर बात फिर से भड़की नहीं बोलचाल नहीं हुई तो भी वही बातें याद आती है, जहन के साफ होने का कोई रास्ता बचता नहीं है और बचता है तो औरत के रास्ते हो जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया जो है नशा और चीजें और सोहबत और कुछ। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि दीन ने इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह हमारी उलमाए किराम में से हैं और दूसरे लोग हैं जो है किसी औरत के पास जाना और उससे बिस्तर होना ये जहन की सफाई का बहुत बड़ा काम करता है। इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह इब्न अकील अहमदी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका ऑडियो जो है क्लिप मेरे पास था इस वक्त पता नहीं कुछ जमाने पहले यानी साल डेढ़ साल हो गए होंगे, वो हम सऊदी में थे तभी कुछ साथी उसको करते थे। हकीकत में उनका जो है एक कॉल मौजूद है कि जब मुझे कोई मसला दीन का समझ में नहीं आता इस्तगलखत अलैया मसअला मिन अलमसाइल दाऊत ज़ौजती فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَأَصَبْتُهَا ثُمَّ إِذَا فَرَغْتُ أَخَذْتُ أَوْرَاقِي وَقَرَاطِيسِي فَأَصُبَّ الْعِلْمَ صَبًّا، تقریباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میں اپنی بیگم کے پاس جاتا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو ہے فریش ہو کر کے نہا دھو کے پھر اپنے کاغذات لے کر بیٹھتا تو وہ مسئلہ میرے لیے آسان ہو جاتا اور ایسا لگتا جیسے میرے نور ابراہیم اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ذہن میں جو بہت ساری باتیں آتی ہیں فتوحات کا ایک جو ہے بارش ہونے لگتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے اور اس کو آپ میڈیکلی کہیں سے بھی جو ہے پروف کر سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ کیسے ہے وہ آیت لتسکن الیہا، کوئی سب سے کوئی آیت ہے مجھے اس سے پہلے کٹوڑا کنفرم نہیں آ رہا ہے کہ تو یہ چیز جو ہے جو سکون والی بات کہی گئی ہے اور اس کی اس معنی کو آپ بہت ساری جگہ پا سکتے ہیں، اور یہ چیز میرے چند باتیں میرے ذہن میں تھیں جن کو نہ صرف میں نے محسوس کیا ہے نہ صرف مشاہدہ کیا ہے، بہت کچھ جو بھی آپ نام دینا چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں، حرج نہیں۔ اور یہی جو ہے جب اقلام خاص طور سے ایشیا کے لوگوں کو اٹھتے ہیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں مبصرین کی علماء اور محققین کی، اور حقیقت یہی ہے کہ ایک اور بھی ہے ویڈیو، ایک ویڈیو ہے باپردہ عورت ہے جس کے جسم کا کچھ حصہ دکھنے لگا ہے کالے کپڑے کے، جو حقیقی حجاب ہے جو کہ اصل اسلام میں مقروب ہے، جو کہ عام طور سے سعودی عرب یا جو ہے خاص طور سے اور یمن میں بھی
काफ़ी हद तक, और इसके अलावा गल्फ के जो है के कंट्रीज में जो पर्दा पाया जाता है, अमूमी तौर से वो पर्दा यहाँ पर तकरीबन मफकूद है, नादिर इंतहाई नादिर हालात में मौजूद है, हत्ता कि उन लोगों के यहाँ जो इल्म से मुंतसिर हैं उनके यहाँ भी उस तरह पर्दा नहीं पाया जाता। तो उसमें वो एक ढांचा काला सा दिखता है और हकीकत में औरत बैठी हुई है, उसने वीडियो बनाया है और उलमाए किराम के कलाम से इस्तेनास किया है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि बात बड़े उलमाए किराम का जिस नाम मुझे याद नहीं है जो है इस तरह की जगहों पर ढूंढेंगे इस तरह के मवादी पर, तब वो चीज़ आपको मिलेगी कि अगर हम एक मर्द की ज़िंदगी में देखें तो एक औरत से उसका एक तिहाई ही उसको साथ मिल पाता है, बाकी उस औरत की अपनी ज़रूरियात, उसके हैज व निफास, उसकी बीमारी, उसकी ज़ियारतें, उसके बच्चों के हुकूक, बहुत कुछ में चला जाता है। यही बात से उस औरत ने कहा है, एक हिंदी औरत है कि जो है एक औरत एक मर्द अगर एक शादीशुदा है तो उसकी एक चौथाई सिर्फ शादीशुदा है और बाकी वो कुंवारा है, और इस तरह से उसने और उस पर हर एक कैटेगरी में किस तरह के फवायद वो पाता जाता है, और इस तरह की बहुत ही हकीकत में बहुत ही काम की वीडियो है, आप किसी तरीके से यूट्यूब वगैरह में शायद ढूंढेंगे तो मेरा ख्याल है पा जाएंगे, मेरे पास था, मैंने कभी शेयर भी किया था यहाँ पे कुछ मदरसों वगैरह को, और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास थी वो चीज़, लेकिन मोबाइल की कमजोरी वगैरह के नाते शायद मेरे पास बची नहीं, इसके बावजूद मैं देखूँगा अगर कहीं वो चीज़ है तो मैं दोनों एक वीडियो क्लिप जो जो है जैसा कि मैंने बताया कि उसमें तस्वीर नहीं दिखती है, और वो ऑडियो क्लिप जो थी इब्न अखिल अलहम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का है, आप इसे कुछ लोगों के पास मैं उसे सेंड कर दूँगा ताकि आप दूसरे के दूसरे पास सेंड कर लें और उसे फ़ायदा उठाएँ। ये हकीकत है। अब ये चीज़ ये है कि क्या अगर तहज्जुद की ज़िंदगी है तो उसमें परेशानियाँ नहीं होंगी? बिल्कुल हो सकती हैं, जैसे गैर तहज्जुद की ज़िंदगी में, लेकिन ये कहना कि तहज्जुद की ज़िंदगी में परेशानी ज़्यादा है, हकीकत में सिर्फ हमारे यहाँ या अमूमी तौर से जो इस्लाम बेजारी और बुरी है, इंडिया में जो कुफरियाती माहौल हो चुका है और गैर इस्लामी तहदीब हमारी जो है हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे दीनदार तबके पर भी मुकम्मल तौर से छा चुका है, और औरत का शौहर किसी न किसी शक्ल में हकीकत में ना चाहते हुए इंतहाई कमी शख्सियत का होने के बावजूद इस माहौल की जुल्म का शिकार होकर के और कहीं कहीं तो माहौल के साथ कानून वगैरह की वजह से उल्ला एक औरत के हाथ में कठपुतली बन जाता है, चाहे इसमें बात होने की कोशिश करे, कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में कोई 2% कोई 10% कोई 20% कोई 50% कोई 80% कोई 90% कोई फुल जैसा अल्लाह ताला की तौफीक उसे मिले और जिस कदर जो है अल्लाह रब्बु उसकी अपनी शख्सियत हो, जिस कदर उसे दीन का इल्म हो, जिस कदर वो हकीम हो, बस ये जो है इन तमाम मामलात में किस तरह डील किया जाना चाहिए, इन तमाम सिफात से मुतसिब हो, उसी के वक्त वो उन चीज़ों से बचा रहता है या उन चीज़ों में जो है पड़ा रहता है और परेशानी और मसाइल में ये चीज़ मौजूद है, लेकिन इसका ताल्लुक तहज्जुद से जोड़ा जाए, हकीकत में मुझे तो कहीं भी ये चीज़ महसूस नहीं हुई तहज्जुद की। और दूसरी बात यह है कि तहज्जुद के मुतालिक की बातें कही जाती हैं या परेशानियां दिखाई जाती हैं, हकीकत में वो नजरी है, वाकई नहीं, जबकि इन्हीं बहुत मामूली शरह में मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों के अंदर और उर्दू मुसलमानों में बहुत मामूली शरह में जो तहज्जुद पाया जाता है उनमें अल्लाह ऐसी मिसालें जानते हैं जिनकी हर को आप एक जन्नत की शक्ल में देख सकते हैं, महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि वो दो बीवियां हैं, बल्कि वो एक दो से कुछ सगी बहनें महसूस होती हैं जो शौहर की तमाम जरूरियात और दूसरी जो है हवाइज और उमूर को पूरा करते हुए इस कदर का वहाँ पर रहती है। ये भी मिसालें हमने देखी हैं, जानी हैं, सुनी हैं, रियल मिसालें। तो जो बातें कही जाती हैं वो हकीकत में जो इस वक्त सर्च का जो तरीका है मुस्तहदस या मॉडर्न या नया तरीका इस वक्त दुनिया में कि आप सोसाइटी के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से जैसे मान लीजिए तलाक के सलासा पर आप औरतों से बात करते हैं मीडिया वाले चैनलों में, औरतों की राय लेते हैं कि वो क्या समझती हैं, क्या कहती हैं, हकीकत में इस तरह की जो है सर्वे हमारे पास इस बारे में है ही नहीं, क्योंकि इस तरह की मिसालें ही हमारे पास इतनी कम है जिनकी बुनियाद पर कोई नतीजा अख्त किया जाना। इसके बरक्स जो लोग एक शादी में हैं और उनके पास क्या परेशानियां हैं इसे ये बात जबान जदे खास आम है, हाँ, और बहुत सारे केसेस हमारे पास जो है बहुत ज्यादा मसाइल बहुत ज्यादा परेशानियां मुसीबतें बड़े लंबे लंबे वाकया
बहुत अच्छी खासी सोसाइटी की बहुत बड़ी परेशानियां, जिनके अंदर पूरी पूरे खानदानों की बर्बादी, दो दो खानदानों की लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ। ये तो भाई जो है कश्तबान है, आप सुनते रहिए। शहीदों में, मजल्लात में, लोगों की जबानी, फताओं में, इजारात में भरी पड़ी है। तो इसकी वजह यही है, एक औरत शादी होती ही किसी शोहर से, हमारे हिंदुस्तान में वो क्या समझती है कि मेरा शोहर अगर अरबपति है और उसके दो भाई हैं और उसके बाप के पास अगर 2 अरब की जमीन है, 4 अरब उसके पास बैंक बैलेंस है, तो 1 अरब जमीन की और 2 अरब रुपए की मालिक बन बैठी, वो निकाह पढ़ते हुए ये सोचती, निकाह जब पढ़ा जाता तभी समझती कि मैं अब उस घर की मालिक हूं। और पूरी चीजों को कंट्रोल उसके कंट्रोल में होता है और शोहर मजबूर होता है। ये जो है नामा और कभी बात है कि शोहर जो है अपनी जरूरियात के नाते से मशहूर जो है ना चाहे चाहे तब भी बिजी होता है और ना चाहे तब भी मजबूर हो जाता है। वजह आपके अपने कागजात, जरूरी कागजात कहाँ रखेंगे उसी घर में जहाँ से फेंकेगा, मतलब किसके हवाले करेंगे, बच्चे नहीं है छुट्टे हैं, आपके पैसे अब तो ATM चल गया, अगर मान लीजिए घर में रखना हो इसके हवाले करेंगे, इसके पास रखें, और आपके पास बहाना नहीं है अपने पास रखें आप तुम्हारे, क्योंकि एक जगह में अगर आप अलग रखते हैं तो गलत फहमी वाली बात आए कि क्यों आपको मुझसे छुपाया जाता है क्यों। लेकिन जो आने पर इसके कहने की पूछने की जरूरत नहीं रह जाती है, क्यों इसने क्या ऐसे वक्त में चाहे उसी घर में रखते किसी बाप चीज में रखते आदमी अपनी जरूरिया या अपने कागजात इस तरह की चीजें किसी एक क्या कर सकता है जिसको समझता है आजमाने के बाद कि होशियार है या इसके अंदर जो अकलमंदी है या तेज जहन है या इन तमाम बातों पर हरीस है वगैरह वगैरह। लेकिन पैसे हैं वो अपनी खास पर रखता है। और यहाँ पर मैं इसको सवाल गुंजाइश इसको सवाल गुंजाइश दूंगी, अब उसे 2 को देना लेकिन ज्यादा किसी 1 को देने में मामला शरीर के हिसाब से भी गलत होगा और कोई ऐसी हो कुछ खास हालात में ऐसा मान लिया जाए जो इंतहाई गलत तसरुफ वाली के बावजूद भी किसी एक के पास रखना है, एक दूसरे की गलत को भड़का सकता है बिला वजह और घर को इंतहाई परेशानियों में डाल सकता है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त इसीलिए हमने आपको यहाँ देखा। और हमारे हिंदुस्तान का तो बाबा आदम उल्टा है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक औरत हुई जो मैंने बताया कि निकाह पढ़ते हुए भी पूरा ख्वाब बुन बैठती होगी, यहाँ पूरी हुकूमत का और वैसी होता है कुछ नहीं हो सकता। आप सऊदी अरब में मान लीजिए पढ़ने चले गए शराबी के बाद और वहां से कुछ पैसे आपने कमाए या आप थोड़े थोड़े पैसे अपने घरेलू जरूरियात और दूसरी चीजों से, या मान लीजिए कि आप कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं फिर भी थोड़ा मोड़ा बच जाना ये और आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को ये बचा कर रखें तो क्या करेंगे आप, माँ बाप को देंगे तो भाइयों को आ जाएगा और ये गलती कभी नहीं करते ये बता रहे। और ना भाइयों वाले मसाइल में जो लोग जूझ रहे हैं ना ऐसा कभी नहीं कर रहे। आपका जो पैसा है आपके भाइयों ने आपके टिकट में लगाया है, सऊदी अरब जाने में लगाया है, आप उनको लगा दीजिए, उनके साथ उसका सलूक कीजिए उनके साथ, लेकिन अपने साथ भी अपना भी नहीं बुलाने वाली बात ऐसी गलती कभी मत कीजिए। खैर ये दूसरी बात है, मैं एक दुकान में आगे बात को कह दो। अब वहां से आप पैसे भेज रहे वाले तो हमारे गांव में हमारे नुकसान में आमतौर से जो है बहुत सारे लोग हालात ही नहीं कि बेगम के पास भेजने बेगम के नाम वो पूरे खानदान के बहुत लंबी मुसीबत हो जाती है। खासतौर से अगर बड़े भाई हों और वो आए शिशरत की जिंदगी जी रहे हो घर में आप ही के सामने तरह तरह के पकवान बनाकर अपनी बेगम सिखा रहे होंगे, लेकिन आप जाने के बाद जो है कोई पैसा अगर अपनी बेगम के नाम भेज देंगे तो क्यामत आ जाएगी। तो ये क्यामत बहुत पहले ले आइएगा ताकि उस वक्त ना आए जब आप खत्म हो चुके हो कुछ ना कर पाने क्यामत लाना ही तो पहले ले आना। खैर दूसरी बात जो अहम चीज कह रहा था कि आप वहां से अगर अपनी बेगम के पास भेजते हैं मान लीजिए या आप घर में रहते हैं, बहरहाल देखिए मैं मुश्तक घर की बात कर रहा था, आप अपने घर में रहते हैं तो किसके पास भेजेंगे, हम तौर से अपनी बेगम के पास कम से कम और मजबूरी है अपने भाई के अकाउंट में भेजने बात खत्म। जी हाँ बात खत्म ही समझिए काम है। जी हाँ 4 साल पढ़ के आगे हालात नहीं बिगड़े कुछ और चीजें आमतौर से
लेकिन आप लंबा रह गए और आपके पास बच्चे उनकी अपनी जिंदगी हो गई ना, यकीन करो मुझसे खत्म समझिएगा, बहुत ज्यादा केस में बात कर रहा हूँ 100%। और इसी तरह से अगर आप सभी के पास भेज दें, साले के पास भेज दें, तब भी सब एक में परेशानी है, नतीजतन आप अपने बैंक के पास भेजते हैं, कोई अकाउंट खुला रखा है या अपना कोई अकाउंट, या बहुत सारे तरीके से भेजने के दूसरी जमाने में दूसरी चीजें बदलती रहती है, एटीएम वगैरह का साइन नहीं करके एटीएम वगैरह आ गए तो आप अपना खुलवा के अपने नाम चले जाएंगे, बेगम को एटीएम दे आएंगे, इस तरीके जो भी शक्लों में नतीजे के ऊपर आप जो भी पैसे रखे हुए हैं, कीमती अशिया है, वो तमाम के तमाम पर आपकी बीवी का कंट्रोल है। नतीजा ये हो जाता है कि अगर आप पैसे मांगेंगे ना, अब वो घर में बचत कर, आप तीन चार बच्चे हो गए घर में बचत करने के नाम पर कि भाई चलो थोड़ा सा मियादा रवि से खर्च किया जाए बच्चों के लिए या किसी राजधानी आफत के लिए, खिलाफ भरोसा सचमें की जाए, इसके लिए कुछ कोशिश की जाए, सोचा जाए कि बचाने कोशिश की जाए, तो जैसे ही आप 1000 रुपये मांगेंगे, हाँ बेगम बेगी कहा किसके लिए, किस चीज़ के लिए ले जाए, तो आप या तो जानेंगे कम से कम कि आप मसल घर के लिए मार्केट करने जा रहे हैं, उसके साथ या उसके अलावा सब्जी वगैरह किस तरह की चीजें लाएंगे, आप किस अंदाज में लाएंगे, उसी के बखद नतीजा हो जाएगा कि आपका एटीएम वो हो चुकी होगी और आप नहीं निकाल पाएंगे जितना चाहेंगे, जितना वो देगी वो पाएंगे। यही एक शादियों की जो है जिंदगियों की अक्सर हकीकत बन चुकी है। और हमारे यहाँ का मिजाज है, जबकि आगे का क्या है, एक भी बीवी है तब भी उसका अपना अकाउंट है, वो अपने शौहर से जो मदद पाई थी 1.5 लाख रियाल, मतलब 50,000 रियाल, 30,000 रियाल कम से कम, ये तो चल ही रहा है, 30,000, 25,000, 25,000 रियाल, 25,000 रियाल ये बाहर के रहने वाले अफगानी और पाकिस्तानी लेते रहते हैं, वहां पर हमने देखा सुना, तो उनके यहाँ भी उससे कम भी सुन्नत पे अमल करने वाले लोग हैं, बाकी जो है महर वगैरह बहुत ज्यादा बहुत सारे खानदानों में चलता है, तो मकसद ये है कि वो जो पैसा वहां सकते हैं, फिर उसके बाद जो आपके चाहे बेच ले चाहे जमीन की शक्ल में, वो सब कुछ उसी का तो है, शौहर का तो नहीं है ना, दिन के हिसाब से। उसके बाद अगर कहीं वो नौकरी करती है और शादी को शर्त लगाया है उसने, या इजाजत ली है या इजाजत नहीं लिया, बाद में आपने इजाजत दे दी, चाहे वाले भी इजाजत देने के बाद आप पछता रहे, तो जो कमाई कर रही है कमाई में से आप उसकी मदद के लिए देगी, अगर नहीं देगी तो आपके पास उसके ऊपर वाजिब करने का कोई, उससे मुतालबा करने का कोई वाजिब हक नहीं है, कानून से भी आप नहीं ले पाएंगे, अखलाक से ले पाएंगे, या पहले से आप शर्त रखे हो और उस पर अमल कर रही हो तब तो जो है व्यवसायी कर जाए, इसमें भी मसाइल आए कि कानूनी या तो कोई तहरीरी शक्ल हो, इसके बावजूद तहरीरी शक्ल में भी कहा जा सकता है भाई अगर वो काम कर रही है तो आपको अपना पैसा क्यों दे, मतलब हालांकि आप काम करने से मुख्तलिफ नहीं है, आप ये मासूम करने लगे तब आप कराना चाहते हैं कि वो आपके और आपके बच्चों को नहीं अदा कर पा रही है, घर को नहीं अदा कर पा रही, या आप किसी में जुड़ा सकते, तो मकसद ये था कि अरबों के यहाँ ये चीज़ है कि औरत का अपना मोबाइल होता है, शोर से नहीं देती, और जो है शरीयत इस प्राइवेसी की है देती है, इसमें कोई लगन नहीं कि आप अपना मोबाइल हो जिसको औरत कभी ना देखे, औरत का मोबाइल जिसको मर्द नहीं तो ना देखे, बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ है, और यही उलमाए किराम की तरफ से बतौर नसीहत कहा गया था कि जब तक कि आप अपना कंट्रोल अपना कवान बने रहिए, कवाम से आपको निकलने की बात नहीं की जाती है, आप कवाम रहें, नजर रखें, शक ना करें, मगर आपको जो जिम्मेदारी है कहीं जाते वक्त कहीं आते वक्त बाहर मार्केट में और इस तरह की जगहों पर आपके यहाँ दयनीयत ना आए, सुस्ती ना आए, कायरी ना आए, नजरअंदाज से बिना वजह नजरअंदाज करने की चीज ना आए, लेकिन अगर मोबाइल का मामला है तो मोबाइल उसके अपने भाई हैं, उसके अपने रिश्तेदार हैं, जो बिना वजह शक करना होगा तो प्राइवेसी में दाखिल होगा, इसकी जरूरत नहीं, और इसके बगैर भी आप बहुत जा सकते हैं, अगर आपका आकत मुताबे और अल्लाह ना करे अगर कोई सी गलत चीज पाई जा रही है तो जो है अपनी अपनी जिंदगी के लिए उसमें दूसरे को दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ का मामला बता जी शोहर के पास क्या नाम है, क्या कमा रहा है, कहाँ रख रहा है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कारण होता है ना, 100% नहीं यार, अक्सर नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा आला है, वहां भी बहुत सारी परेशानी आ रही है, जाहिर सी बात है कि आ जाए इस्लाम सारी जगह पर वही कुफरियत और वही बेरुखी और वही कमाल सब पहुंचाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है इसका असर हर जगह पर 40% है, रंगों के उसके में भी
इसके बावजूद अगर इस्लाम की साफ शफाफ और इस्लाम की तालीमात की तरफ करीब अकायद में अमान में फिलकियात में गर्दन के हकूक में फ़राइज़ में वाजिबात में दीन के मवारीज में बेटियों बहुओं और औरतों के हकूक में अगर कोई मुल्क काफी इस्लाम के करीब बचा है या सबसे ज़्यादा सही तरीन शक्ल में दूसरी दुनिया के मुकाबले में वो सऊदी अरब ही है, कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। तो मकसद ये है कि औरत का जो माल होता है उसका अपना ATM होता है, उसमें से क्या खर्च करेगी क्या नहीं करेगी कहाँ लगाएगी। मान लीजिए आपके पास मेरा सा रियाल है, आपके औरत के पास आपने जो बहन दिया था 1 लाख रुपये है, वो चाहती है कि मैं अपने किसी भतीजे को अदा करूँगी, तो क्या आप हक है क्या होगी? नहीं, आप पर नहीं लगाएगा। हाँ, यहाँ पर इस्लाम कहेगा कि अगर औरत अकलमंद है होशियार है तो उसे हर लम्हा अपने शौहर की रजामंदी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रजामंदी उसकी शौहर की रजामंदी में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को इस्लाम समझा होता या किसी को हुक्म दिया जाता सजदे के लिए इंसानों में तो एक दिन होती इसे अपने शौहर के लिए एक के सजदे का हुक्म दिया जाता अगर ऐसा होता। तो मकसद यह है कि और का हम बहुत अजीम है अपनी बीवी पर और बीवी का भी अजीम है शौहर पर। तो इन जगहों पर औरत कोशिश करे कि अगर शौहर के पास कमजोरी है, उसके अपने हालात हैं, जरूरत की जरूरियात हैं, उसके पास तकाजा है, वो अपनी महक में से या अपने पैसे में से शौहर की मदद करे। एक अच्छी चीज कही जा सकती है, लेकिन अगर वो अपने जेवर बना करके उसने अपने पास रख लिया या अपने किसी भतीजे को भतीजे को भतीजी को या किसी और को देना चाहे, तो मकसद यह है कि मह अब दे देने के बाद उसका अपना माल है जिसने शौहर को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी की कोई भी इजाजत नहीं है किसी हाल में। सिर्फ वो उससे तलब कर सकता है, राजी कर सकता है, खुशी से उससे ले सकता है किसी जरूरत को।